हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीरियड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी एमटीएस का 5 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आपका एग्जाम स्टार्ट है और एसएससी एमटीएस में जीके 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो प्रैक्टिस कर ली है, प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका भी एग्जाम आने वाला है भाई, तैयारी जम के कर लीजिएगा। और वीडियो को सबसे पहले लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर दिया गया, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो यहाँ पे जो औरंगजेब है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिथंगो जो था आपका, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। ठीक है, अगला दिया गया, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आपका ये भी ऑप्शन आ सकता है। अगला दिया गया, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ठीक है, और ओजोन छिद्र के लिए, तो बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। 29 का डी ऑप्शन यहाँ पे, सीएफसी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। मतलब एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक है, उसी को लिख दिया गया इस फॉर्म में। अगला दिया गया कि द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? 30 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, प्रवाही जल हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? 31 नंबर का ए ऑप्शन अष्टमुंडी यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया कि किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्यता करते प्राणी जंतु और पादप क्या कहलाते हैं? तो 32 नंबर का यहाँ पर जीवोम हो जाएंगे, ठीक है, या बायोम कहलाते हैं, वही बात है, आप लोग याद कर लेना। 32 का बी ऑप्शन राइट। 33 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, आइवरी तट कहाँ स्थित है? ठीक है, आइवरी तट आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो 33 नंबर का सी ऑप्शन पश्चिमी अफ्रीका में है, दोस्तों देख लेना। अगला दिया गया है 34 नंबर प्रश्न है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो देखो 34 नंबर का डी ऑप्शन एक वर्ष का। अगला दिया गया यहाँ पर, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? 35 नंबर का यहाँ पर हो जाए इन सभी का। ठीक है, निर्वाचन जो आयोग होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का कार्यभार कौन संभालता है? 36 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, राज्य का जो कार्यभार होता है वो राज्यपाल संभालते हैं। हीरकों का दाम जल से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, बताइए। 37 नंबर प्रश्न दिया कि इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी कुल उपयोगिता जल से अधिक होती है। अगला दिया गया है, अल्पावधि में जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत वृद्धि में समानता वृद्धि होती है, समानता क्या होती है? वृद्धि होती है। 38 का ये ऑप्शन। 39 नंबर दिया गया, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे तनु अल्कोहल कहते हैं। फेरेट किसका एकक है, किसका मात्रक भी कह सकते हो, तो मेरे हिसाब से धारिता होना चाहिए। ठीक है, तो 40 का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन धारिता हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि स्टील है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्योंकि स्टील जो होता है रबड़ से अधिक कठोर होता है या फिर प्रबल कह सकते हो। तो 41 का बी ऑप्शन राइट है। 42 नंबर प्रश्न दिया है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ठीक है, 42 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, कृमि यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 43 नंबर दिया गया, यदि अपशिष्ट पदार्थ पानी के पीने के पानी स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी? पीने के पानी को अगर दूषित कर देती तो चारों ऑप्शन को देखो भाई, 43 का राइट ऑप्शन आपका टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला दिया गया है कि कॉफ़ी, कोको और कोला ग्रीन प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एल्केलाइड है, आपका कैफीन होता है, वैसे कॉफ़ी में पता होगा सब। 44 का राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? वायुयान और रॉकेट के लिए देखो चार ऑप्शन को आप लोग देखो, इसका राइट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन, जो आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे उत्कृष्ट गैस नहीं है। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? शुद्ध रक्त दोस्तों लाती है, तो 47 का राइट ऑप्शन बनेगा फुफ्फुस सिरा। अगला दिया, प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बताइए क्या होगा प्रकाशी फाइबर, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करते हैं। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इन चारों ऑप्शन को देखो, 49 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा डेजी व्हील प्रिंटर।
49 का बी ऑप्शन राइट है। अगला दिया है एम्स्टर्डम जो होती है वो कहाँ की राजधानी है, एम्स्टर्डम जो होती है नीदरलैंड की राजधानी होती है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो आप दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ओपन होता है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन है, टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, देखो लिखा क्या है, एक मिनट। चलो देखो, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी। 26 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी ये पता होगा, और 1858 में भारत में प्रभुसत्ता वर्ष स्थापित की थी ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतोहतों का उल्लेख किया है, ठीक है, और युद्ध त्याग की घोषणा की थी, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका शिला राजा देश, ठीक है, 13 में कह सकते हो, ये आपका हो जाएगा 10, ये 1, 2, 3, 13 में, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे दिया अकबर ने अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे। तो 28 नंबर का हो जाएगा आपका इबादत खाना में करते थे, यहाँ पे जो सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्जनित बल द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, 29 नंबर का सी ऑप्शन है भूस्खलन। अगला दिया गया वे सुरक्षित वन क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक पादक व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता कहलाते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बनेगा ए ऑप्शन, बायोस्फीयर, ठीक है, रिजर्व। चलो भाई अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, 31 नंबर का बी ऑप्शन भूकंपी तरंगे। अगला दिया 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शैले अवसादी नहीं है, 32 नंबर का सी ऑप्शन संगमरमर। अगला दिया कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो याद कर लेना उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला दिया 34 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो 34 नंबर दिया गया है इसका किसके द्वारा होती है, आपका राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है, हिंदी तथा लिपि जो होती है वो आपकी देवनागरी है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 35 का बी ऑप्शन अनुच्छेद 343 में। 61वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संविधान संशोधन है 61 पूछा गया है। 36 का राइट ऑप्शन चुनाव में मतदाताओं की आयु कम करने से, पहले शायद 21 थी फिर 18 कर दी गई थी, ठीक है, 21-18 कर दी गई थी, ठीक है। अगला दिया गया यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह क्या होगा, 37 नंबर का ए ऑप्शन उत्पादन बंद कर देगी। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका सही हमेशा सही होता है, तो बताइए जरा क्या होगा, 38 नंबर प्रश्न दिया गया डी ऑप्शन है, आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। 39 नंबर प्रश्न दिया गया किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त होता है, चार ऑप्शन को देखो भाई। 39 नंबर दिया गया इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी छोटा ब्रच। अगला दिया गया सबसे बड़ा एक कोष की जीव कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोष की पूछा गया है 40 नंबर प्रश्न का, तो एसी ट्यूबलिया है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना 39-40, ठीक है। किसको ग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो वो आपका जेसी बोस ने किया था। महारंध्र जो एक द्वारक है कहला कहाँ होता है, 42 दिया गया इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा डी ऑप्शन कपाल। अगला दिया रडार का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं, आना चाहिए आपको दूरस्थ वस्तुओं की पहचान और उनका पता लगाने के लिए, लेकिन एक होता है सुनार का प्रयोग करते हैं जैसे कि समुद्र में नीचे कोई वस्तु देखने के लिए, समुद्र में कोई वस्तु जैसे पता लगाने के लिए, ठीक है, और दूर की वस्तु पता लगाने के लिए पहचान करने के लिए वो रडार का, लेकिन समुद्र के लिए आपको सुनार का प्रयोग करते हैं। अगला दिया गया है बार पिंड निम्न किस में पाया जाता है, 44 नंबर दिया गया तो इसका हो जाएगा मादा कायिक कोशिका में। अगला दिया गया शाही किससे बनाई जाती है, चार ऑप्शन को देखो। 45 नंबर दिया गया तो टेनिन से बनाई जाती है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 46 नंबर दिया गया निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है, 46 का राइट ऑप्शन आपको बताएं क्या होगा, जैसे कि हेपेटाइटिस और एचआईवी एड्स, ये कह सकते हो 2 और 3, मतलब कि 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 47 नंबर दिया गया आवृत्ति बीजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, 47 नंबर दिया गया तो सी ऑप्शन, इनकी जड़ों में पर्व और पर्व संध्याएं होती है, आवृत्ति बीजी में पर्व और पर्व संध्याएं होती हैं। निर्वात में सैटेलाइट जो उपग्रह है वो इन चार ऑप्शन को देख के बताइए क्या होगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला दिया गया 49 नंबर प्रश्न आपका है अंकी पर्वतों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी, 49 नंबर का सी ऑप्शन द्वीआधारी पद्धति को। नार्कोपोलिस किसकी कृति है, नार्कोपोलिस किसकी
कृति है, 50 नंबर प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा जी थैर, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नार्कोपोलिस आपके किसकी कृति है, किसकी कृति मतलब रचना, किसकी रचना है, तो आपकी जी थैल की, 50 के यहाँ पर डी ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।